बारां जिले के अंता में खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा कस्बे के सौंदर्यकरण को लेकर खेमजी तालाब गार्डन, स्टेडियम, बाईपास रोड, सरकारी कॉलेज निर्माण कार्य तथा कॉलेज के पास बनने वाले गार्डन का अवलोकन किया गया। साथ ही जयपुर से आई टीम को दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर खनन मंत्री भाया ने कहा कि यहाँ की जनता का बहुत बड़ा एहसान है जिन्होंने नगर पालिका में लगातार तीसरी बार कांग्रेस के बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में अंता में ऐसे ऐतिहासिक कार्य कराए जाएंगे जो हमेशा के लिए यादगार बन सके। मंत्री भाया ने खेमजी गार्डन के सौंदर्यीकरण को लेकर खेमजी तालाब का पूरा जीर्णोद्धार कराने, वॉकिंग ट्रैक बनाने, युवाओं के लिए ओपन जिम बनाने, सरकारी कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने, छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी बनाने तथा गरीब तबके के लोगों के लिए फ्री वाईफाई जोन बनवाने, कस्बे के रोडों का चौड़ाईकरण करने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। खेमजी का तालाब का दौरा किया, उसका पूरा जीर्णोद्धार कराया जाएगा। साथ ही अंता के लिए बाईपास रोड की जो आवश्यकता है, सीस वाली रोड से जो ट्रैफिक आता है वो अंदर की तरफ आता है तो उनको परेशानी होती है, ट्रैफिक में फंसते हैं, लोगों का समय खराब होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए अंता शहर के बाईपास के लिए एक नया जो रास्ता नागदा की फाटक होकर सीधा हाईवे पर जो निकलता है उसका निरीक्षण किया। यहाँ जो कॉलेज का निर्माण का कार्य चल रहा है बच्चों का, वो अधूरा पड़ा है, उस अधूरे कार्य को जल्दी जल्दी पूरा कराने के लिए उसकी मीटिंग ली।